नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर बीजेपी के तेवर नरम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। नवाद टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बातें भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। वीडी शर्मा ने साफ कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत है। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ और नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बयानबाजी नहीं कर रहा है। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा से कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके सवाल के जवाब में वीडी शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि वह राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं और कांग्रेस द्वारा भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार से जिन्हें पीड़ा हुई है उनका बीजेपी में स्वागत है। वीडी शर्मा ने कहा कि आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनका स्वागत है। पूर्व सीएम कमलनाथ को इन दिनों बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कह चुकी है कि कमलनाथ भगवान राम का नाम ले और बीजेपी में आ जाए। हालांकि कमलनाथ ने भी सुमित्रा ताई के बयान पर पलटवार किया है, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया था कि वे बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को लेकर कहा था कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। कुछ समय पहले अटकलें लगाई गई थी कि कमलनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है, जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसके बाद से उनके नाराज होने की अटकलें लगाई जा रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के साथ कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक्टिव है। बीजेपी फिलहाल कमलनाथ पर खुला हमला नहीं बोल रही है। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ के तेवर भी बीजेपी को लेकर नरम पड़े हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट हेडलाइन।